हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर हर महादेव भक्तों, आज हम भगवान शंकर द्वारा एक चोर को मोक्ष प्रदान किए जाने की कथा श्रवण करेंगे। भगवान शंकर को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि वो भोले भाले लोगों के भगवान हैं, अर्थात उन पे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार गलत फहमी में भी लोग वो भोले इंसानों को मोक्ष दे देते हैं। शिव पुराण में एक निशाल से अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया था, उसे भी मोक्ष दे दिया था उन्होंने। आज ऐसी ही एक और मनुष्य की कहानी, जो पेशे से चोर था, लेकिन उसके द्वारा कुछ ऐसे कर्म बन गए कि भगवान ने उसे भी मोक्ष दे दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन अवंतिकापुरी में एक चोर रहता था, जो कि काफी दरिद्र था। जब भी उसे मौका मिलता, वो छोटी मोटी चोरियां करता था और ऐसे अपना पेट भरता था। उसके आगे पीछे कोई न था, फिर भी कमाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने चोरी का पेशा अपना लिया था। एक समय उसे चोरी करने का मौका नहीं मिला और वो भूखे मरने को मजबूर हो गया। तब वो इधर उधर भटकने लगा और शहर के बाहर एक सुनसान मंदिर के पास से गुजरा। मंदिर में दिन में तो भीड़ रहती थी, लेकिन रात में वहीं कोई नहीं रहता था। इसी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर उस चोर को एक बड़ा घंटा दिखाई दिया, तो उसे पेट भरने के जुगाड़ समझ आ गया। उस सुनसान मंदिर में वो रात के अंधेरे में पहुंचा, जहां एकदम अंधेरा था। तब उसने उजाले के लिए प्रयास किया और पत्थरों की रगड़ से चिंगारी निकाली और अपना ही कुर्ता उसने जलाकर उजियारा कर दिया। शिव पुराण में लिखा है कि सुनसान शिव मंदिर में शिव पूजा का विशेष फल होता है और दीपदान का तो विशेष महत्व है। ऐसे में उस चोर के हाथों अनजाने में दीपदान भले ही कुर्ते से उजियारा किया हो, बन गया था। उजियारा करके चोर आगे बढ़ा और शिवलिंग पर लगी घंटी उतारने लगा। घंटी बहुत ऊंची थी और वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा था कि वो उसे खोल दे। अंततः उसने मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर ही चढ़कर घंटा उतारने की कोशिश की। उसकी ये कोशिश देख भोलेनाथ प्रकट हो गए और वो भोलेनाथ कहने लगे, भक्त लोग मुझ पे दूध जल फल आदि चढ़ाते हैं, तुम तो खुद को ही मुझ पे चढ़ा रहे हो। चोर की हालत खस्ता हो गई भोलेनाथ के दर्शन करके। कुछ देर में चोर का विवेक जागा और वो भोलेनाथ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। लेकिन एक बार प्रसन्न हुए भोलेनाथ ने उस चोर को धनवान बना दिया और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष भी प्रदान किया। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।